अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद कांग्रेस कमेटी की जानिब से मुस्लिम रिजर्वेशन 30 ईयर्स सेलिब्रेशन एक कमेटी तश्कील दी गई है। उस कमेटी के तहत हमारा मकसद ये है कि आज से 30 साल पहले 25 अगस्त 1994 को एक GOMS 30 विजय भास्कर रेड्डी साहब, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर और उस वक्त के माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब शब्बीर अली साहब की कोशिशों से एक जीओ पास किया गया था मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए। उसके बाद 3 महीने के बाद इलेक्शन हुआ जिसमें कांग्रेस गवर्नमेंट इलेक्शन हार गई। फिर 10 साल तक इस जीओ को बाजू रख दिया गया था। 2004 में फिर जब दोबारा वाईएसआर राजशेखर रेड्डी साहब और शब्बीर अली साहब के कोशिशों से इस जीओ को फिर इंप्लीमेंट किया गया मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में, जिसका 5% रिजर्वेशन के तहत किया गया था। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से उसे फिर 4% कर दिया गया। मगर उस तारीख से आज तक पिछले 20 सालों में इस रिजर्वेशन के तहत करीब 20 लाख मुसलमान मुस्तफिद हुए। हर महाज पर तालीम में एजुकेशन सिस्टम में, गवर्नमेंट जॉब्स में, पॉलिटिकल लेवल पे हर महाज पर मुसलमानों को इसमें रिजर्वेशन से बहुत फायदा हुआ, जिसकी वजह से हम ये टीम ये तय की है कि आज जो लोग इससे मुस्तफिद हो रहे हैं, जिससे फायदा उठा रहे हैं, 22 साल 24 साल 25 साल के नौजवान जिसको फ्री मेडिकल सीट मिल रही है, फ्री इंजीनियरिंग सीट्स मिल रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स मिल रहे हैं, तो उन लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि वो ये रिजर्वेशन किसका कारनामा है, किसकी देन है, जिससे कि 20 लाख मुसलमानों की आज जिंदगियां किधर से किधर पहुंच चुकी। तो इन लोगों को इस चीज से वाकफियत कराने के लिए आज हम लोग एक प्रेस मीट कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि आने वाले इसी महीने की 25 तारीख 2024 को हम एक हैदराबाद में एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं 30 साल मुस्लिम रिजर्वेशन का। उसमें हम इस तेलंगाना स्टेट के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब को मधु कर रहे हैं और साथ ही साथ उसमें शब्बीर अली साहब की कोशिशों का उनको उन उन उनकी गुलपोशी की जाएगी, उनकी हिम्मत अफजाई की जाएगी, जिसके कारनामों की वजह से आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में काफी मुसलमानों के हालात बेहतर हो चुके। और साथ ही साथ इस प्रोग्राम में हिंदुस्तान से कई एमपीस और एमएलएस, मुस्लिम जितने अदर स्टेट के कांग्रेस के मुस्लिम एमपीस एमएलएस है, उन लोग को भी मधु करने की कोशिश जारी है, जिससे होगा ये कि उस दूसरे स्टेटों के मुसलमान एमपीस एमएलएस आएंगे और यहां पर इन ये शब्बीर अली साहब का कांग्रेस का ये कारनामा देखते हुए वो अपने अपने स्टेटों में भी जाके इस चीज को वहां पे इंप्लीमेंट करे, इसलिए हम एक कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो जो लोग, जैसा कि मैं जानता हूं कि कई ऐसे डीएसपी है, एसीपी है, डीसीपी और सर्कल इंस्पेक्टर और वाइस चांसलर, प्रोफेसर, इंजीनियर्स, ऐसे कई गवर्नमेंट जॉब्स में अपॉइंट हुए 4% रिजर्वेशन की वजह से, उन तमाम लोगों से अगर आप तक मेरी बात पहुंच रही है तो मेरा कहना यह है कि आप लोग 25 अगस्त को हम बहुत जल्द जगह का ऐलान करेंगे, उस जगह पर आप तशरीफ लाइए और इन इस कारनामे को अंजाम देने वाले जनाब शब्बीर अली साहब को खराज उनकी हिम्मत अफजाई करेंगे और वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब और हमारे विजय भास्कर रेड्डी साहब को खराज अकीदत पेश की जाएगी। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि उस प्रोग्राम में शरीक हो। शुक्रिया जी। दिल्ली से कांग्रेस के एक्स सेंट्रल मिनिस्टर्स और एमपीस, कांग्रेस के जितने एमपीस है और जितने एमएलएस है, सारे लोगों को बुलाने की कोशिश की जा रही है। इंशाल्लाह काफी लोग इसमें शरीक होंगे।